क्या नाम है? पंकज। पंकज भाई क्या क्या सामान लिया है आपने? क्या क्या सामान है? बिस्किट वगैरह है। मतलब नाश्ते का खाने का सामान है आपने? नाश्ते का सामान मंगाया आपने? ओके ओके ओके। तो कौन लोग बांट रहे हैं जान सकता हूँ आपसे? मुसलमान लोग बांट रहे हैं, हिंदू को मिल रहे हैं। अच्छा मुसलमान भाई, हिंदू भाई मुसलमान भाई को सबको बांट रहे हैं। कुछ पैसा वैसा लिया आपसे? अच्छा अच्छा ठीक है सर। वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त आ रही है तेलंगाना से। जी हां, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान के मुताबिक तेलंगाना में एनपीआर होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा कहा गया था। जैसा नया नया फॉर्म में कुछ सवालों को ऐड करके एनपीआर की एक्सरसाइज करने की बात हो रही थी, एनपीआर होगा और वो पिछले जैसे 2010 में हुआ उसी तरीके से होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सबसे पहला कदम लिया था एनपीआर और एनआरसी को रिजेक्ट करते हुए अपने बयान में कहा था कि ये चीजें अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र ने भी इसी पर अपना बयान जताया और कहा हम भी इस पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। वहीं तेलंगाना की तरफ से इतना बड़ा बयान ये साबित करता है कि एक एक स्टेट करके अपनी आवाज उठा रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके स्टेट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोटेस्ट से जो दबाव पड़ता है सरकार पर, ये आम आदमी नहीं समझता। अगर आप इस वीडियो को अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, आपको ये बात समझनी होगी। जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि आप नाखुश है सरकार से, सरकार को नहीं पता चलेगा। इसलिए सरकार को जवाब देने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, ताकि आप ये बता सके सरकार को कि उस कानून से, चाहे जो भी कानून हो, आप उस कानून से नाखुश हैं। प्रोटेस्ट करने की वजह से सरकार पर दबाव पड़ता है, और वही दबाव वक्त के साथ हमें देखने को मिल रहा है। और हर स्टेट में अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये काले कानून को सरकार वापस भी लेगी और लोगों को परेशान करने की वजह से लोगों से माफी भी मांगेगी। आगे खबर में बात करेंगे एक भाई के बारे में जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके 6 मुसलमान भाइयों को बचाया। जी हाँ, दिल्ली में जो राइड्स हुए थे उसमें बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई दोनों जख्मी हुए और बहुत लोगों की जान भी गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के कुछ भाइयों की जान बचाई। कुछ लोगों ने मंदिरों को बचाया, कुछ लोगों ने मस्जिदों को बचाया। वहाँ के रहने वालों ने जो एकता दिखाई, एक दूसरे को लेके मोहब्बत दिखाई है, वो देखने लायक है। हम ऐसे लोगों को दिल से सल्यूट करते हैं, हम दिल से चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहना जो लोग धर्म से भी ऊपर उठ करके भाईचारे का और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इस कानून की वजह से पहले ही 70 के करीब मौतें हो चुकी हैं कुल 80 दिनों में, और हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हो चुके हैं, और इनमें मरने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो सरकार को दो बार इस कानून के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो वाकई में हिंदू के लिए कर रही है तो हिंदू क्यों मर रहे? ये गौर करने वाली बात है कि जो लोग दंगा कर रहे हैं बाजार में, चाहे वो दिल्ली की सड़कों पे हो, यूपी की सड़कों पे हो, और कल आने वाली खबर के बारे में बात करें तो मेघालय में भी दंगे फसाद हुए हैं। 6 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, और ये गौर करने वाली बात है कि सरकार इंटरनेट क्यों बंद कर देती है ताकि वहां की खबरें बाहर लोगों तक ना पहुंच पाए। सरकार को इस कानून के बारे में सोचना चाहिए, बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि कानून से उनका क्या फायदा नुकसान है, बजाय जबरदस्ती किसी कानून को एक दूसरे पे थोपने के, एक दूसरे को समझाएं ताकि जो कानून के खिलाफ है वो कम से कम उन कानून को समझ करके सरकार का साथ दें। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं, असल उस कानून के खिलाफ है जो सरकार उन पर जोर जबरदस्ती लागू कर देना चाहती है। आपकी क्या राय है इन खबरों के मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।